हमारे घरों में जो बिजली आती है वह किसी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पहुंचाई जाती है। भारत के हर एक राज्य में इस तरह की एक या ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं। हमें 220 वोल्ट की बिजली मिलती है और वह एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होती है। जिस केबल के द्वारा बिजली पहुंचाई जाती है उसे मेंस का केबल कहते हैं। इस केबल को एक मीटर से जोड़ा जाता है। यह मीटर हमारे बिजली के इस्तेमाल को दर्ज करता है। हर महीने बिजली कंपनी का एक आदमी हमारे घर आकर इस मीटर की रीडिंग ले जाता है और हमें बिजली का बिल भेज देता है। मेंस वाली केबल से दो तरह का सप्लाई मिलता है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण 5 एम्पियर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बड़े उपकरणों को 15 एम्पियर के बिजली की ज़रूरत होती है, जैसे माइक्रोवेव ओवन, पानी गर्म करने वाला गीज़र इत्यादि। यह बिजली हमारे घर में सुविधाजनक जगहों पर पॉइंट्स के रूप में मिलती है, जहाँ पर बिजली के सॉकेट्स और ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं। हमें अपने घर में बल्ब से रोशनी करने के अलावा कई अन्य उपकरणों को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, वाटर हीटर वगैरह। घर में रोशनी करने के लिए हम कई तरह के बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पुराना है फिलामेंट वाला बल्ब। यह जलने पर रोशनी देने के साथ साथ गर्म भी हो जाता है। CFL के बल्ब इससे बेहतर है क्योंकि वे इस बल्ब से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और LED के बल्ब तो CFL से भी कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हमारे देश में LED के बल्ब और ट्यूब काफी लोकप्रिय हैं। पोर्टेबल उपकरणों और गैजेट्स को चलाने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें DC पावर मिलती है, DC यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी सेल में कुछ नॉन रिचार्जेबल तो कुछ रिचार्जेबल होते हैं। दीवार की घड़ी या TV का रिमोट आदि में हम नॉन रिचार्जेबल सेल का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम एक से ज़्यादा सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सीरीज़ में जोड़ना पड़ता है, यानी एक सेल के निगेटिव एंड पर दूसरे सेल का पॉजिटिव। इस तरह से इन्हें जोड़ा जाता है। सेल को गलत ढंग से जोड़ने पर रिमोट काम नहीं करेगा। आपके लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर और सेलफोन वगैरह में रिचार्जेबल बैटरी से लगे होते हैं, जिससे आप इन्हें चार्जर लगाकर चार्ज कर सकते हैं। बिजली का इस्तेमाल हम हीट यानी गर्मी पैदा करने के लिए भी करते हैं, जैसे बाथरूम में पानी गर्म करने वाला गीजर या कपड़े प्रेस करने वाला इलेक्ट्रिक आयरन। इन सब के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली से चलने वाला इंडक्शन कुकटॉप फिलामेंट वाले चूल्हे से अलग काम करता है। यह मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ऊपर रखे हुए बर्तन में पानी को बहुत जल्द गर्म कर देता है। खाना बनाने के लिए हम बिजली से चलने वाले माइक्रोवेव ओवन का भी इस्तेमाल करते हैं।